यूपी के अलावा बिहार में भी आज सियासी रंग जमकर नजर आया, जहां 2024 को लेकर महागठबंधन की रणनीति तैयार की गई। आज महागठबंधन की ओर से एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, तो वहीं बीजेपी की ओर से अमित शाह ने मोर्चा संभाला। इंकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। जोर से बोले, ऐसे क्या बोलते हो? लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है, आपको मालूम है क्या? मालूम है ना, मगर नीतीश जी किसी नहीं बता। आपने पता लेना चाहिए कि भाई हम इस तिथि को उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और फिर से जंगल राज, पूरा जंगल राज आना तो आ ही रहा है, पूरा जंगल राज प्रस्तावित करेंगे। लालू जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका। बिहार के सियासी महासमर में ये गृहमंत्री अमित शाह का महागठबंधन पर दोहरा वार। अपने बयान से अमित शाह ने बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान पर तंज किया, साथ ही बिहार में कानून व्यवस्था को बदहाल बताते हुए जंगल राज का जिक्र किया। जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़े नीतीश कुमार जी ने लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है, आपको मालूम है क्या? मालूम है ना, मगर नीतीश जी तिथि नहीं बताते। आपने लालू जी के बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है तो आरजेडी वाले विधायक रोज एक दो करके मांग कर रहे हैं। आपने पता लेना चाहिए कि भाई हम इस तिथि को उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और फिर से जंगल राज, पूरा जंगल राज आना तो आ ही रहा है, पूरा जंगल राज प्रस्तावित करेंगे। शनिवार का दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम रहा। एक और गृहमंत्री अमित शाह पश्चिमी चंपारण में रैली कर रहे थे, तो दूसरी ओर पूर्णिया में महागठबंधन के नेता बीजेपी पर हमला कर रहे थे। 24 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दम भर रहे थे। बड़ी बात यह है कि महागठबंधन की इस रैली को डिजिटल माध्यम से लालू यादव ने भी संबोधित किया और अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सफाए का नारा लगाया। टुकड़ा टुकड़ा करना चाहिए, कभी भी हम सफल होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। और अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का, ये पक्का है। ये बिहार का ये आह्वान है, ये महागठबंधन का ऐलान है। 24 के चुनाव में पूरा मजबूती के साथ रिजल्ट देना है और बिहार देश को उस पर असर हो। पश्चिमी चंपारण की रैली में अमित शाह ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं का जिक्र किया, योजनाओं को सही से लागू न करने पर नीतीश सरकार पर हमला किया, तो नीतीश कुमार ने गृहमंत्री के दावों का जवाब दिया, बीजेपी की पूरी घोषणाओं को लेकर सवाल किया। देखो, प्रधानमंत्री कहलाते हैं, वो गृह मंत्री कहलाते हैं, अतः आ करके यहाँ भाषण दिए थे, क्या क्या बोले थे, तो आज फिर कहीं और भाषण दे रहे हैं। जो इन लोगों ने घोषणा किया था 2015 में विधानसभा के चुनाव के पहले, अब शुरू में हम लोग जब एक साथ थे, और तब इन लोगों ने कह दिया था कि हम बिहार को मदद करेंगे, अब जितना मदद करने का ऐलान किया आज तक हुआ जी। महागठबंधन की रैली में तेजस्वी यादव भी पूरी रौ में दिखाई दिए, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का आह्वान किया, बीजेपी को सत्ता से हटाने का नारा दिया। तो पूरे लालू जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका, उनका बेटा भी ये वचन करता है, ये संकल्प लेता है कि सांप्रदायिक शक्तियों से, फिरकापरस्त शक्तियों से हम लोग लड़ने का ही काम नहीं करेंगे, बल्कि देश के जो इन लोगों ने सत्ता हासिल किया है उस सत्ता से बेदखल करने का काम हम लोग मिल करके, महागठबंधन की सरकार, हम सब लोग सातों दल मिलकर के जो है करने का काम करेंगे, बेदखल करने का काम करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की लड़ाई बेहद दिलचस्प और अहम है। हर पार्टी, हर दल अभी से बड़ी जीत का जोर लगा रहा है।
बिहार के लिए दूसरे की नीति और नियत पर सवाल उठा रहा है। वाल्मीकि नगर की रैली में अमित शाह ने एक बार फिर से जंगल राज का मुद्दा उठाया और नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच उस कथित डील का जिक्र किया और कहा कि नीतीश कुमार को जल्द से जल्द तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए ताकि बिहार में पूर्ण रूप से जंगल राज की वापसी हो सके। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सपने पर भी अमित शाह ने तंज कसा और कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है और नीतीश कुमार अगर दोबारा एनडीए में अगर आना भी चाहेंगे तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि बीजेपी के तरफ से नीतीश कुमार की वापसी के लिए तमाम दरवाजे पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और रमेंद्र गौतम के साथ रोहित सिंह, वाल्मीकि नगर आज तक।